हेलो स्टूडेंट्स, अब इससे पहले आप लोगों ने इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के बारे में सीख लिया है। अब आप लोगों को देखना है आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ये इसका वेलोसिटी ट्रायंगल जो बनता है वो बिल्कुल जो इनिशियल आपको सिखाया गया था वैसा ही बनता है, जो मैंने बोला था बेस है सेम वैसा ही बनेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। वो क्या होती हैं कि इसमें U1 इक्वल टू U2 नहीं होता है। U1 और U2 अलग अलग होते हैं। और हम लोग निकालते कैसे हैं, U1 इक्वल टू पाई D1 N बाई 60। अच्छा, एक चीज़ और, U इक्वल टू पाई D N बाई 60 तो ठीक है, लेकिन इंटरनल डाया और एक्सटर्नल डाया में हम लोग D1 और D2 किसे सेलेक्ट करेंगे, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। तो जब आउटवर्ड है तो सीधी बात है जो फ्लो है वो ऐसे से ऐसे जा रहा है, मतलब कि जो इनवर्ड है वो क्या है, वो इनवर्ड जो हमारा पड़ा वो क्या बना, हमारा D1 पड़ा, और जो आउटवर्ड जो पड़ा वो क्या हुआ, हमारा D2 हुआ। जब ऐसा होता है तो सीधी बात है कि जो इनवर्ड है उसे हम लोग ये जो इंटरनल डाया है इसको हम लोग इनवर्ड बोलेंगे, और ये जो एक्सटर्नल डाया है इसको हम लोग आउटवर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनवर्ड जो डाया होता है वो कम होता है आउटवर्ड डाया से, लेकिन जो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन था इसमें इसका अपोजिट होता था। ठीक है, बस इतनी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखिए, इनवर्ड रिएक्शन फ्लो टर्बाइन बिल्कुल से जो पहला वाला केस बताया था वैसा ही होता है, लेकिन हमें क्या सिलेक्ट करना होता है, D1 और D2 हमें सिलेक्ट करना होता है। U1 और U2 बराबर नहीं होते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। अब देखिए ये एक केस देखते हैं, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो आप लोग सीख रहे हैं। वो कैटेगरी कैसा है, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। इसके साथ ही ये किस तरीके का केस है, ये जो है आपका ऐसा केस है जिसमें जो प्रेशर एनर्जी है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन हैज़ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। देखिए, इंटरनल डायमीटर ये है, तो अब आपको पता होना कि जब आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन बोल रहा है मतलब इंटरनल डाया ही क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, और एक्सटर्नल डाया क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। द गाइड वेन एंगल, गाइड वेन एंगल मतलब अल्फा, अल्फा की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री गिवन है। वेलोसिटी फ्लो थ्रू द रनर इज़ कांस्टेंट, यानी VF1 इक्वल टू VF2 है ये इसमें बता रहा है, एंड इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, और ये है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द टर्बाइन इज़ 200 RPM, मतलब n की वैल्यू जो है वो 200 RPM है, हेड ऑन द टर्बाइन इज़ 10 मीटर, मतलब कि नेट हेड जो है वो 10 मीटर है, एंड डिस्चार्ज एट द आउटलेट इज़ रेडियल। ओके, इस चीज़ को ध्यान में देना है कि रेडियल जो आउटलेट पे जो डिस्चार्ज है वो कैसा है, रेडियल है, मतलब जो आउटलेट वाला जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा कि इसमें बीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी, और VW2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VW2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, जब ये रेडियल आउटवर्ड पे जब रेडियल बोल रहा है, तो वैसे जो ये जो कैटेगरी दे रहा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आउटवर्ड पे रेडियल हो, आउटलेट पे या इनलेट पे दोनों में से किसी में भी रेडियल हो सकता है, या किसी दोनों में भी रेडियल हो सकता है। ठीक है, तो आउटलेट में जब रेडियल होता है तो मतलब बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब आपको निकालना क्या क्या है, रनर ब्लेड एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट। रनर ब्लेड एंगल निकालना है, मतलब कि आपको थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी है इनलेट एंड आउटलेट पे, एंड थीटा एंड फाई की वैल्यू निकालनी है। वर्क डन बाय द वाटर ऑन द रनर पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, मतलब कि जो ये आपको जो निकालना है वो पावर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड निकालना है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मतलब नीटा एच निकालना है, डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालना है। ओके, वह एक चीज़ और है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चूँकि हम टर्बाइन सीख रहे हैं, तो मतलब वाटर जो है वाटर हिट करता है टर्बाइन को, और टर्बाइन जो है वो रोटेट करता है। मतलब क्या है कि वाटर के थ्रू टर्बाइन पे काम किया जाता है, बट इन केस ऑफ पंप जो होता है वो क्या होता है,
जो पंप जो है वो रोटेट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड देन वाटर पे काम होता है, वाटर को वो ऊपर ऊंचाई तक लेके जाता है। मतलब कि एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है पंप में वो क्या होता है, टरबाइन से वाटर पे होता है। मतलब वर्क डन जो होगा वो टरबाइन से वाटर पे होगा, लेकिन इनके सॉरी टरबाइन है मतलब पंप से वाटर पे होगा, लेकिन इन केस ऑफ टरबाइन जो है जो वर्क डन हमेशा किया जाता है वो क्या होता है, वाटर से टरबाइन पे किया जाता है। ठीक है, वो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसमें देखते हैं वेलोसिटी। सबसे पहले तो इनलेट और वेलोसिटी एंगल बना लेते हैं। तो देखिए वेलोसिटी एंगल ऐसे ही बनेगा एकदम प्रीवियस की तरह ही है, कुछ इसमें नया है नहीं, और बस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, इस चीज़ पर हम ध्यान रखेंगे। वैसे ये पूरा पुराना वाला, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को जानना हो तो, वैसे तो इसमें क्या है, सब पुराना ही है। U2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेन है एट आउटलेट। U1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेन एट इनलेट है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट VF1 है। VW1 वेलोसिटी एट इनलेट है, एक्चुअल वेलोसिटी V1 है। VR1 रिलेटिव वेलोसिटी एट सेक्शन 1 है। VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एट सेक्शन 2 है। V2 एक्चुअल वेलोसिटी एट सेक्शन 2 है। VF2 वेलोसिटी एट सेक्शन 2 है। ठीक है, और अल्फा जो है वो वेन एंगल है, थीटा एंड फाई जो है वो आपका रनर वेन एंगल है। ओके, तो अब देखिए, अब अभी आपको जो वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो देखिए, D1 और D2 कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देते हैं। क्योंकि ये जो केस आपको दिया गया है वो आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का है। मतलब कि जो इनर डाया होगा उसे हम लोग D1 लेंगे। तो देखिए यही किया गया है, जो इंटरनल डाया है उसे ही D1 लिया गया है, जो एक्सटर्नल डाया है उसे D2 लिया गया है। अल्फा की वैल्यू 15, VF1 VF2 की वैल्यू, NH की वैल्यू दी गई है, और डिस्चार्ज की जो वैल्यू है वो डिस्चार्ज पे क्या है, ये रेडियल है आउटलेट पे जो है वो रेडियल है। मतलब VW2 इक्वल टू 0, VF1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, U1 और U2 निकाल लेते हैं क्योंकि N गिवन है और D1 और D2 गिवन है। तो U1 इक्वल टू पाई DN बाई 60 वैल्यूज़ रख देंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगी U1 की। U2 के लिए पाई D2N बाई 60 वैल्यूज़ रख दिया, वैल्यू हमें मिल गई। मतलब U1 और U2 की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब देखिए हमें जो नेक्स्ट जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो किसकी, आपसे बोला गया है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सीधी बात है, हमें VR1 या VF1 या फिर VW1 माइनस U1, यानी ये वैल्यू, इनमें से कोई दो वैल्यूज़ भी हमें अगर हमें मिल जाती हैं तो हम क्या करेंगे, सही ढंग से निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में देखिए, तो VF1 गिवन है, ये देखिए VF1 इक्वल टू VF2 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर VF1 गिवन है, मतलब या तो VR1 हमें पता चल जाए या फिर हमें ये VW1 माइनस U1 पता चल जाए। तो VR1 निकालना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन VW1 माइनस U1 निकालना पॉसिबल है। तो U1 की वैल्यू तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई है, और VW1 के लिए देखते हैं। देखिए VW1 निकालना है हमें, क्या करना है हमें, VW1 निकालना है। तो हमें, अगर आपको पता हो तो क्या, ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। कहाँ पर गिवन है, ये देखिए, ये अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो ये गिवन है, 15 डिग्री गिवन है। तो देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला देखिए, ये देखिए VF1 हमें पता है और अल्फ़ा की वैल्यू पता है। तो इस ट्रायंगल में देखिए, ये अल्फ़ा हमें पता है और VF1 हमें पता है, तो क्या हम VW1 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब हमें VW1 पता चल जाएगा और U1 हमें पता है, तो VW1 माइनस U1 हम निकाल लेंगे। जब हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। सभी जगह ट्रायंगल रूल लगने हैं, बहुत छोटे बच्चों वाली कहानी है, कुछ नया इसमें नहीं है। ठीक है, तो यही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, हम VW1 निकालेंगे, और VW1 हमें VF1 पता है और अल्फा हमें पता है, तो टैन अल्फा लगा देते हैं। ये देखिए ये काम किया गया है, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये टैन अल्फा इक्वल टू VF1 डिवाइड बाई VW1, जिसमें से हमें VW1 की वैल्यू निकालनी है। मतलब VF1 डिवाइड बाई टैन अल्फा, VF1 की वैल्यू, टैन अल्फा की वैल्यू, और वैल्यू VW1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब जब VW1 की वैल्यू हमें मिल गई है, तो टैन थीटा इक्वल टू VF1 हमें पता है, VW1 माइनस U1, VW1 माइनस U1 वैल्यू हमें मिल गई। तो थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स दिस और थीटा की वैल्यू हमें मिल गई।
इसके बाद क्या होगा, अब हमें क्या करना है, हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से देखिए, ये देखिए आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल देखिए। अभी अगर आपको पता हो तो आपको VF2 पता है, VF2 और VF1 जो हैं वो दोनों बराबर हैं, और वो कितना है वो आपको पता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। और U2 की वैल्यू पाई D2N बाई 60 से आपने कैलकुलेट की है। तो जब ये वैल्यू पता है तो tan फाई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जब tan फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो उससे टाइमर्स करके आप फाई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर देखिए ये किया गया है, ये वैल्यू किया गया है टेन इनवर्स और ये वैल्यू में मिल गया। नेक्स्ट देखिए, अब जो है वो आपसे पूछा क्या गया है, वर्क डन बाय वाटर पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो अगर आपको ध्यान हो तो फॉर्मूला क्या था, 1/g VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। लेकिन ये चूँकि आउटलेट पे क्या है, रेडियल है, मतलब बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब VW2 इक्वल टू 0 है। तो फॉर्मूला क्या बचा, VW1 U1 डिवाइड बाई जी। VW1 की वैल्यू पता है, U1 की वैल्यू पता है, G की वैल्यू पता है। वैल्यूज जो रखने पर जो आंसर हुआ ये आया। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगेन आपको ध्यान हो तो फॉर्मूला होता है 1/GH VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। अब VW2 है 0, तो बचा क्या, VW1 U1 डिवाइड बाई GH। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, वैल्यू रख दीजिए, जो वैल्यू आएगा रेशियो में 0.95 आएगा, परसेंटेज में इसको चेंज कर दिया। डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, ऑलरेडी रिएक्शन टर्बाइन है ये, तो रिएक्शन टर्बाइन में फॉर्मूला जो है वो ये होता है, अल्फ़ा और थीटा आपको पता है, अल्फ़ा थीटा की वैल्यू रखिए और वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू देखिए, अभी इधर थीटा का वैल्यू आपने यहाँ से ये कैलकुलेट किया है थीटा, और वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड ही किया है, तो अल्फ़ा थीटा की वैल्यूज हमें पता है, वैल्यू रख देते हैं और फाइनल हमें आंसर मिल गया। एक चीज़ और कि डिग्री ऑफ रिएक्शन टर्बाइन जो है, ये वैल्यू अभी शायद अभी आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये एक रूल है कि फ्रांसिस टर्बाइन के लिए जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, और ये जो है 0 से 1 के बीच में आया, मतलब जो टर्बाइन आपको दिया गया है वो कैसा दिया गया, फ्रांसिस टर्बाइन दिया गया। अब नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो फ्रांसिस टर्बाइन ही है। फ्रांसिस टर्बाइन देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो 2 केसेस आप लोगों ने देखे वो कैसे थे, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। इनवर्ड फ्लो होगा, रेडियली फ्लो होगा, तो मतलब उसे क्या बोलेंगे, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, और अगर आउटवर्ड फ्लो होगा तो आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। ये दोनों कैटेगरी थी, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर टर्बाइन नहीं था। ठीक है, तो अब जो आप लोग देखने वाले हैं वो पर्टिकुलर एक टर्बाइन है, जैसे पेल्टन व्हील आपने देखा, तो पेल्टन व्हील एक पर्टिकुलर केस है, मतलब एक पर्टिकुलर टर्बाइन है, जो कि कैसा है, इम्पल्स टर्बाइन है, कैसा है, टेंजेंशियल टर्बाइन है। उसी तरह जो फ्रांसिस टर्बाइन है वो कैसा है, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन हैविंग रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट। ठीक है, मतलब कि इसमें जो फ्लो होगा वो हमेशा कैसा होगा, इनवर्ड फ्लो होगा। ये एक रिएक्शन टर्बाइन है, इसके अलावा आउटलेट पे हमेशा रेडियल डिस्चार्ज होगा। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जब ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपने किया तो क्या होगा, वो जो केस है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रांसिस टर्बाइन, एक पर्टिकुलर टर्बाइन बन जाता है। तो अब जब भी बात होगी आप बोलेंगे अगर फ्रांसिस टर्बाइन, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है, आउटलेट पे रेडियल डिस्चार्ज है, आउटलेट पे रेडियल डिस्चार्ज है, और ये क्या है, एक रिएक्शन टर्बाइन है ये। ठीक, अब देखिए आउटलेट पे रेडियल डिस्चार्ज है, मतलब बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, VW2 इक्वल टू 0 है, ये सब चीज़ें हैं, और इनवर्ड फ्लो रिएक्शन हो रहा है। फ्रांसिस टर्बाइन में क्या होता है, डिस्चार्ज जो है आउटलेट पे यूडियल रेडियल होता है, मीन्स VW2 इक्वल टू 0 होता है, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। फॉर्मूले अभी आपने इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन पूरा पढ़ डाला है, उसमें सिर्फ एक और सिंपल करके एक वैल्यू रख देनी है, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और VW2 इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ रख दीजिए उन फॉर्मूले में, और जो फॉर्मूले डेराइव होकर अब आएंगे वो फॉर्मूले फ्रांसिस टर्बाइन में वैलिड होंगे। जैसे कि अगर हम निकालना चाहते हैं फ्रांसिस टर्बाइन के लिए वर्क डन बाय वाटर ऑन द रनर पर सेकेंड, जब आप ये निकालना चाहते हैं तो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो रो इंटू क्यू इंटू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। अब VW2 है 0, VW2 0 रख दीजिए, बचा क्या फॉर्मूला, रो इंटू क्यू इंटू VW1 U1। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ होगा फ्रांसिस टर्बाइन के लिए।
दूसरा क्या है, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो अगर आपको ध्यान हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता था वो होता था 1/gVW1un प्लस माइनस VW2u2। अब VW2 है 0 तो बचा गया VW1u1/g। इसी तरह हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, 1/gHVW1un प्लस माइनस VW2u2। VW2 है 0 तो बचा गया VW1un डिवाइड बाई GH। एन जो होता है वो विथ ऑफ द व्हील एंड डाया ऑफ द व्हील का रेशियो होता है। फ्लो रेशियो अगर आपसे पूछा जाता है तो VF1 डिवाइड बाई √2 GH होता है। H जो है वो नेट हेड होता है और इसकी वैल्यू जो है वो इस फ्रांसिस टर्बाइन के लिए कैसी होती है, 0.15 से लेकर 0.30 के बीच में होती है। स्पीड रेशियो जो है वो UN/√2 GH 0.6 से 0.9 ये होता है। ठीक, इसमें कोई नया केस नहीं है, ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में बीटा इक्वल टू 90° रख देंगे तो वो फ्रांसिस टरबाइन हो जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, ए फ्रांसिस टरबाइन। अब जब उन्होंने फ्रांसिस टरबाइन बोल दिया तो इट मीन्स इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन बीटा इक्वल टू 90°, ये बाय डिफॉल्ट आपको याद होना चाहिए। इसमें ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो 75% की है। ओवरऑल एफिशिएंसी 75% ये लिखा हुआ है, ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 75% है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 148.25 किलोवाट वाटर किलोवाट पावर, मतलब ये जो है ये क्या दिया हुआ है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है मतलब ये क्या दिया हुआ है, शाफ्ट पावर दिया हुआ है। ठीक है, इतना प्रोड्यूस कर दे रहा है मतलब कि ये शाफ्ट पावर, देखिए ये शाफ्ट पावर दिया हुआ, इतना प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट जो है, इट इज़ वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ दिस, तो ये जो हेड है वो क्या दिया हुआ है, एच इक्वल टू नेट हेड गिवन है। द पेरीफेरल वेलोसिटी जो है वो इतना गिवन है। पेरीफेरल वेलोसिटी मतलब होता है, मतलब U1, ये देखिए पेरीफेरल वेलोसिटी मतलब कि क्या होता है, ये होता है U1 इक्वल टू ये फॉर्मूला गिवन है। चाहे आपको क्वेश्चन इस तरह दिया जाए या फिर आपको ये दे देता कि या फिर आपको कुछ इस तरह देता कि स्पीड रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.26 है, या तो ये बोलता है। दोनों केसेस में से आपको यही यूज़ करना था कि U1 इक्वल टू दिस है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है एट एंड द रेडियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट इज़ दिस। रेडियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट मतलब कि रेडियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, VF1 का फॉर्मूला ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, या तो इस तरह दिया जाए या फिर ये जो वैल्यू है 0.96 वो किसकी हो जाएगी, वो फ्लो रेशियो है 0.96, ऐसे दे सकता था। बट ऐसा नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूले के टर्म में दिया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि व्हील रन्स एट 150 rpm, मतलब एन की वैल्यू गिवन है एंड हाइड्रोलिक लॉसेज इन टर्बाइन आर 22% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी। ये जो है ये लॉसेज दिया हुआ है तो अगर हमें हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालनी है तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर 100 किलोवाट का पावर आता है 100 किलोवाट का पावर आता है तो क्या होता है कि 22 जो है वो लॉस हो जाता है, बचा हुआ 78 जो है वो आगे की साइड जाता है। तो मतलब इसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी हुई, 78% हुई। इसी चीज़ को देखिए आगे इसमें सॉल्व किया गया है, ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, इसे देख लीजिएगा, नीटा एच नहीं है, ये हाइड्रोलिक लॉसेस दिया हुआ है, हाइड्रोलिक लॉसेस इतना है। तो नीटा एच अगर निकालना है तो टोटल एच में से बचा जो हाइड्रोलिक लॉस कितना हो गया, 22% ऑफ एच को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई इनिशियल कर देंगे तो वो कितना है, 0.78, मतलब नीटा एच की वैल्यू आ गई 78% या 0.78। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी है। गाइड ब्लेड एंगल निकालना है, गाइड ब्लेड एंगल मतलब कि अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। दूसरा क्या करना है, व्हील वेन एंगल निकालना है यानी थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। नेक्स्ट सब कुछ इनलेट में निकालना है। डायामीटर ऑफ द व्हील एट इनलेट निकालना है, मतलब कि आपको इनलेट, अब देखिए इनलेट एंड आउटलेट
कैसे डिसाइड करेंगे D1 निकालना है कि D2 निकालना है, कैसे पता चलेगा। इनलेट है मतलब सीधी बात है D1 की बात ही हो रही है, इनलेट के बारे में बोला मतलब D1 के बारे में बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है ना, तो इनवर्ड है मतलब आउटर डाया इसको चाहिए, ठीक है। और विथ ऑफ द व्हील एट इनलेट मतलब B1 की वैल्यू इनको चाहिए। जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अच्छा अब देखिए, पेरीफेरल वेलोसिटी मतलब U1 के लिए ये ऑलरेडी फार्मूला इन्होंने दे रखा है, जिसमें से H जो होता है वो नेट हेड है और नेट हेड आपको गिवन है। वैल्यू रखते हैं नेट हेड की तो हमें U1 की वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट फार्मूला जो है वो ये गिवन है, इसमें भी H क्या है, नेट हेड है, नेट हेड ऑलरेडी गिवन है तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, हमें VF1 की वैल्यू भी हमें मिल जाती है। स्पीड ऑलरेडी गिवन है, नीटा एच की वैल्यू हमने निकाली 0.78%, वो मैंने आपको बताया था। क्योंकि तो नीटा एच का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ किया हमने, V1 अभी अभी कैलकुलेट किया है, H जो है नेट हेड गिवन है, G की वैल्यू 9.81 होती है, तो यहाँ से हमें VW1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब हमें VW1 की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें क्या निकालना है, हमें अल्फा निकालना है। तो देखिए अब वेलोसिटी, और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, VF1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, VF1 हम लोगों ने यहाँ निकाला और VW1 हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, ठीक। अब देखिए इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, देखिए इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल जब हम लोग देखते हैं, VF1 हमें पता है, VW1 हमें पता है, tan अल्फ़ा लगाइए, अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, tan इन्वर्स करके। तो जब अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हमें यही गाइड ब्लेड एंगल हमें निकालना था, अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, व्हील वेन एंगल मतलब कि थीटा पूछा गया है। तो जब थीटा पूछा गया है तो अगेन ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देखिए, अगेन इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देखिए। अब देखिए इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में देखिए, तो U1 आपने अभी भी कैलकुलेट किया है, फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो U1 हमने उससे निकाला, VW1 भी अभी अभी कैलकुलेट हुआ है, VF1 ऑलरेडी गिवन है। तो क्या हम VW1 - U1 कैलकुलेट कर सकते हैं, यस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए हमें ये वैल्यू पता है, हमें ये वैल्यू पता है, तो मतलब हम tan थीटा निकाल सकते हैं, फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वैल्यू करके हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो थीटा मिल जाएगा तो मतलब हमें व्हील वेन एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो डाया ऑफ व्हील एट इनलेट मतलब D1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, U = πDN/60। U1 की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट हुई है तो D1 की वैल्यू हम पता चल जाएगा, क्योंकि N की वैल्यू हमें पता है। तो D1 का वैल्यू जो आया वो क्या आया, 0.4047 मीटर आ गया, ठीक। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, विथ ऑफ द व्हील एट इनलेट है, ये हमें पता करना है। तो विथ ऑफ द व्हील एट इनलेट, तो अगर आपको ध्यान हो तो विथ का यूज़ हम लोग करते कहाँ हैं, सिर्फ Q1 और Q2 के टाइम पे ही विथ यूज़ हुआ था, इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं हुआ था। तो अगर हमें विथ का वैल्यू निकालना है तो देखिए विथ ये फॉर्मूला होता है, Q = ये वैल्यू, जिसमें से हमें D1 हमें पता है, VF1 हमें पता है, B1 हमें पता चल जाएगा अगर हमें Q पता चल जाए तो, ठीक है। तो Q मतलब टोटल डिस्चार्ज। अब Q का वैल्यू पता करने के लिए देखिए हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है, हमें ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है और ये शाफ्ट पावर भी हमें बताया गया है। वाटर पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ρGQ×H। तो इसमें देखिए रो जो है वाटर है मतलब 1000 आपको पता है, जी की वैल्यू 9.81, एच की वैल्यू नेट हेड गिवन है, तो इसमें क्या हमें सब कुछ पता है सिवाय क्यू के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा और इस क्यू को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और B1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे जो है हमें B1 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रांसिस टर्बाइन भी यहाँ से ख़त्म होता है। तो फ्रांसिस टर्बाइन पूरा हो चुका है, पेल्टन व्हील पूरा हो चुका है, इनवर्ड आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन आप लोगों ने देख लिया, टेंजेंशियल फ्लो देख लिया, इम्पल्स टर्बाइन देख लिया, ये सारी चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं। अब बची हुई चीज़ें मैं आपको फिर से सिखाऊंगी, ठीक है। और कोई इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक। थैंक यू।